मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज के पांच बड़ी खबरों पर। कल्याण फाटा के पास गौसिया कंपाउंड में कल दोपहर भयानक आग लगी थी। ये आग करीब 2 बजे के आसपास में लगी थी। आग इतना भयानक थी कि आज करीब 11 बजे तक आग बुझाने का काम चलता रहा। इस आग में 5 वाहन भी जल गए हैं और गोदामों की संख्या 70 से 80 गोदाम तक बताई जा रही है। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है, मगर इस आग में लाखों का नुकसान हो गया है। क्या नाम है आपका और कितने गाले आपके जले? जी राजू चौधरी नाम है मेरा 3 गाला था। मेरा प्लास्टिक स्क्रैप भंगार का था। मैं खाना खाने गया था 1 बजे और 2:30 बजे मेरा आदमी 2:45 बजे फ़ोन किया कि बगल में आग लग गई है। और मैं जब तक गाले पे पहुंचा, मेरा अभी गाला बगल में से बढ़ते बढ़ते मेरे गाले तक आग पकड़ चुका था पूरी तरह। क्या चीज़ का कारोबार था आपका? पूरा प्लास्टिक स्क्रैप का ग्रेडिंग। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग आपका? अब नुकसान अब वही है कि 12-13 लाख का माल था। अच्छा, जो यहाँ पर गाले जले हैं तकरीबन कितने गाले होंगे जो जले हुए? अब हमारा गाला ये रोड से लेके पीछे बाजू तक 80-90 गाला 100 गाले के आसपास सब जले हैं। कुछ पता लगता है कि आग कैसे लगी इसके बारे में कुछ जानकारी? अब आग बगल में से कहीं से उठा, मैं तो था नहीं, मैं तो घर पे था, खाना खाने गया था, आने के बाद देखा तो आग लग चुकी थी। लोकसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है और नेता बदजुबानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को आज़ाद देश का पहला आतंकी बताया था, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है। साध्वी ने नाथूराम गोडसे को कहा है कि देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कंजरभट समुदाय के एक परिवार के महिलाओं को वर्जिनिटी टेस्ट करने की प्रथा का विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस को विवेक तमाई चीकर ने बताया है कि इस प्रथा का उनका परिवार विरोध कर रहा है, इसीलिए उन्हें समाज से बहिष्कार किया गया है। शिकायत के आधार पर अंबरनाथ कस्बे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ महाराष्ट्र जन सामाजिक बहिष्कार निषिद्ध रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कोल्हापुर के युवक की एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की है। दिल्ली और यूपी के रेलवे स्टेशनों को 72 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 संदिग्धों को शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों मेरठ थाना के कंकरखेड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल बरामद की है। फ़ोन कॉल और अन्य सबूतों के आधार पर किस संगठन से जुड़े हैं ये पूरा इतिहास इनका खंगाला जा रहा है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।